नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं रघुजी नगर के महाराष्ट्र कामगार कल्याण केंद्र में हूँ और यहाँ पे जो सिराज भाई है, BCN BTP ग्रुप के जो संस्थापक है सिराज भाई, उनका जन्मदिन बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और 40 प्रकार का यहाँ पे टेस्ट की जा रही है। 40 प्रकार के जो बीमारी होती है उसकी टेस्ट यहाँ पे की जा रही है। सभी जो ये है डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये युवा ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और इधर देखिए, ये दंत चिकित्सक है जो दांतों की जांच कर रहे हैं। और मैं और बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए यहाँ पर जो है सिराज भाई का, ये सिराज भाई का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये आँखों की जांच यहाँ पे की जा रही है, नेत्र की जांच यहाँ पे की जा रही है पूरी तरह से। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, देखिए सभी प्रकार की जांच यहाँ पे की जा रही है। चर्म रोग हो गया, धावंडे सर हमारे साथ में है जो अधिष्ठाता है मेडिकल के। क्या बताना चाहूँगा, सिराज भाई का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, क्या बताना चाहूँगा? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज तक मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो अपने बर्थडे के दिन इतना बड़ा सक्सेसफुल शिविर अरेंज करते हैं। और इस शिविर की विशेषता एक है कि इतनी भीड़ मैं कहीं पे देखी नहीं, और दूसरी हर व्यक्ति जो है, जो पेशेंट आया है उसको आखिरी तक उसका इलाज होता है। जैसे एकाधा पेशेंट आता है उसको ऑपरेशन यदि डिसाइड होता है तो ऑपरेशन होने तक उसका फॉलोअप किया जाता है। एकाधा पेशेंट आता है उसको चश्मे की जरूरत है तो चश्मे तक उसको मिल जाता है। तो ये कैंप का सबसे बड़ा सक्सेस रहता है और इसी के कारण आप देखेंगे जो सिराज भाई है, दिन ब दिन लोगों का बर्थडे जब रहता तो एक साल बड़ा होता है, लेकिन वो हर साल एक एक साल छोटे लगते हैं। तो ये रीजन है उनका सक्सेसफुल जो कैंप है उससे। वही हमने मंच पे देखा है कि सभी पार्टी के नेता यहाँ पे मौजूद थे और समाज सेवक, आप जैसे अधिष्ठाता भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कारण है? इसी का कारण उनके प्रति प्यार और उनका जो काम करने की स्टाइल है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे वो आगे जाते हैं लेकिन पीछे रहने वाले लोगों को भी साथ लेके जाते हैं। जो लोग कभी उसको उनकी क्या जरूरत है वो उनका ख्याल रखते हैं और वही रीजन है कि सब लोग उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। स्वास्थ्य शिविर हर साल वो यहाँ पे आयोजन करते हैं जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ऐसे एक की है सिराज भाई की जो सभी प्रकार की बीमारियों का यहाँ पे यानी शिविर लगता है। हाँ, वो आखिरी तक हर पेशेंट का आखिरी तक इलाज करते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे सक्सेसफुल शिविर होता है। जन्मदिन पर क्या कहोगे सिराज भाई? उनको ऐसे ही उनका दिन, हर जन्मदिन ऐसे हो जाए और पेशेंट जो लोग है, जो समाज है, उसके लिए उनका जो कार्य है ऐसा बढ़ता रहे और उनको आनंद, उनको उनके जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। वो जियो हजारों साल और साल के दिनों 50,000। क्या बात है, निश्चित ही बहुत बढ़िया। ये हमारे अधिष्ठाता है मेडिकल के गावंडे सर। और भी जो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे औषध जो दवाई का वितरण भी यहाँ से किया जा रहा है, जो जो बीमारियाँ का है और कैंसर कर्क रोग का जो है यहाँ पे जांच की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा, ये देखो, BP शुगर, चर्म रोग, अस्थि रोग, बाल रोग, स्त्री रोग, मेडिसिन, सर्जरी, यानी वगैरह वगैरह, यानी सभी बीमारियों का जो है जांच यहाँ पे की जा रही है। शिविर लगा है और ये शिविर क्यों लगाया गया है, तो सिराज भाई जो है, सिराज भाई का आज जन्मदिन है और बड़ी धूमधाम से ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आंखों की जांच की जा रही है और ये कतार पे देखिए किस प्रकार से लोग खड़े हैं। क्या बताना चाहोगे, आज सिराज भाई का जन्मदिन है और यहाँ पे शिविर लगाया गया? क्या बोल रहे हैं? निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए, ये सिराज भाई है और ये महाशिविर, उनके जन्मदिन पे महाशिविर का आयोजन किया गया है और कामगार कल्याण जो भवन है रघुजी नगर का, वहाँ पे सिराज भाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये महाशिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया। इमरान भाई, सिराज भाई का बर्थडे जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है और आप उसके मुख्य सूत्रधार है, क्या बताना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल, पिछले 15 सालों से सिराज भाई के बर्थडे के दिन हम
हमेशा क्या करते हैं, बर्थडे के दिन कोई ना कोई पार्टी करता है, अलग अलग करते हैं, मगर हमारे भैया का हमेशा से लोगों से मेलजोल और लोगों की अच्छाई के बारे में सोचना ये उद्देश्य रहा था। तो पिछले 15 सालों से हमने बर्थडे का कंसेप्ट चेंज करके लोगों की मदद करने के लिए शिविर का आयोजन करते हैं। तो ऐसे शिविर आज 15वां शिविर है, 15 साल हो गए हम शिविर ले रहे हैं और हजारों लोगों को इसका फायदा मिलता है, लोगों का भला होता है, लोगों को आंखों के चश्मे मिलते हैं, उनके ऑपरेशन होते हैं, गोलियां दवाइयां उनके इलाज फ्री में होता है। तो ऐसे ही हम इवेंट करते रहते हैं। कितनी बीमारियों का यहाँ पे यानी चेकअप किया जा रहा है जी? इसमें डेंटल है, हेल्थ है, बीपी शुगर है, हार्ट के पेशेंट्स आए, लता मंगेशकर हॉस्पिटल की टीम है यहाँ पे, सॉरी मेगा हॉस्पिटल की टीम है, मीरा में हॉस्पिटल की टीम है और बाकी भी जितने भी मेडिकल कॉलेज की डेंटल की टीम यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आंखों का जांच यहाँ पे हो रहा है, स्किन का इलाज हो रहा है, तो हर टाइप के यहाँ पे सभी बीमारियों के इलाज और उनके उनका निराकरण यहाँ पे हो रहा है। इमरान भाई, मैंने एक यहाँ पे देखा कि मंच पर सभी पार्टी के नेता यहाँ पे मौजूद थे और सभी ने सिराज भाई को जन्मदिन की बधाई दी। जी बिल्कुल, हम हमेशा ही से मतलब हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हम सभी पार्टियों को हमारे अच्छे मतलब उनसे परिचय है और उनसे दोस्ताना है, तो सभी लोग एक शुभेच्छा देने यहाँ पे पधारे हैं हर पार्टियों के लोग। तो मैं बताना चाहूंगा सिराज भाई के चाहने वाले सभी पार्टी के नेता है और सिराज भाई मिलनसार स्वभाव के हैं, इसीलिए यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए सभी पार्टी के नेता यहाँ पे आए हैं। एक बात खास है, पिछले 10 साल से जो चश्मा वाटप निशुल्क करते हैं ऐसी शख्स हमारे साथ में है, क्या बताना चाहोगे? हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से आप निशुल्क चश्मा वाटप करते हैं, आपका परिचय देके बताइए। माझं नाव संजय लाने, दृष्टितज्ञ आहे, मी साधारणत एक दृष्टितज्ञ आहे, फक्त माझा उद्देश एकच आहे की लोकसेवा जनसेवा, नको भेदभाव जात पत धर्माचा, लोकांची सेवा करत, हाच निर्धार आहे माझा संजय लहानेचा। या उद्देशाने बाबासाहेबांची दीक्षाभूमी असो, गणेश टेकडी असो, हजरत बाबा तहजुद्दीन असो, गुरुद्वारा असो, सर्व ठिकाणी कुठलाही जात पात न बघडता आम्ही सार्थक संस्थेच्या माध्यमातून सोमवारी कडरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन आहे, ज्या बाबासाहेबांनी आम्हाला संविधान दिला त्या संविधानाला आम्ही प्रचित म्हणून, आपला त्यांना काही ऋणी असतो त्याला आपण गृहित धरून आपण लोकांना सेवा द्यावी, आपलं जे काही आपण कमवलं लोकांना त्याच्या आपण काही कोणाला जास्त मोठी करू शकत पण फूल नाही फुलाची पाकळी देऊ शकतो, त्याचं समाधान करू शकतो, या उद्देशाने आम्ही सर्व हे जे लोक आहे त्यांच्या सहकार्याने गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून 10 रुपये दवाखाना चालू आलो, त्यामध्ये जनरल चेकअप असते, बीपी असते, शुगर असते, मोठे मेंदूचे ऑपरेशन असतं, जवळपास 10 ते 15 लाख लोकांना आतापर्यंत आम्ही सेवा देऊ शकलो आणि अजूनही निरंतर स्वतः असेपर्यंत आम्ही लोकांची सेवा देत राहू। आज या BCN BTP ग्रुपची शिबिर प्रमुख म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी होती, जवळपास 15 ते 20 हजार लोकांनी याचा लाभ घेतला, तुम्ही बघू शकता अत्यंत जनसागर इथं उसळलेला आहे, या पण आजच्या दिवसाला पण हजारो जो लोकांनी इथं उपस्थित झालेला आहे, असंच लोकांनी आम्हाला सहकार्य करावं व सिराज भाई नेहमी आम्हाला मदत करतात, त्यांचा वाढदिवसानिमित्त मोठा उत्साह शिबिर आयोजित केलं जातं, जर कोणी लोक राहिले त्यांना जर तपासणी करायचं असलं तर रोज संध्याकाळी 6 ते 8 वाजेपर्यंत सोमवारी कॉटर गजानन महाराजचे मंदिर, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, तिथे यावं आणि आपली तपस्वी करायचा, आम्हाला सेवा करायचा, आम्हाला एक मौका द्यावा असे मी विनंती करतो। निश्चितच मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये दृष्टि तज्ञ संजय लहाने सर है और ये निशुल्क जो नेत्र जांच जो करते हैं ये निशुल्क करते हैं और चश्मा वाटप भी निशुल्क करते हैं, पिछले कई सालों से ये जनसेवा करते हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि कोई भी इंसान जो है दृष्टि से यानी देख सके, ऐसी ही इनकी एक मंशा है। कारा न्यूज और BCN न्यूज के स्टार जो रिपोर्टर है और डायरेक्टर है वो हमारे साथ में है, हम BCM की टीम भी जो है वो हमारे साथ में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे सिराज भाई के बारे में, क्या बताना चाहूंगे आप? सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम इमरान दाऊदी हुआ, मैं बिजनेस हेड BCN न्यूज चैनल और नागपुर मेट्रो समाचार का हूँ।
और जिस तरह से जो हमारा ऑफिस है या जो सिराज सर का हमारे को सपोर्ट रहता है, जो वहाँ पे अपनी सुविधाएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं पर भी काम करोगे तो आपको सिक्योर रहना चाहिए। सैलरी तो हर कोई देता है, मगर जो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलता है वहाँ पे, चाहे वो आपको मेडिकल का हो, हेल्थ का हो, जिस तरीके से हो, वो जो बैक सपोर्ट जो है वो हमारा बैकबोन है बीसीएन का। निश्चित ही, आप क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल, मैं बीसीएन न्यूज में रिपोर्टर हूँ, मेरा नाम क्षितिज देशमुख है और मैं बीते 5 साल से बीसीएन में हूँ। और यहाँ जो हम देख रहे हैं कि हर बर्थडे को जो है इसी तरह से भव्य महाशिविर होता है लोगों के लिए, जो जरूरतमंद है उनके लिए। और ये सिर्फ शिविर नहीं होता है, आखिर तक इनका फॉलोअप लिया जाता है। और ये सिराज सर जो है अपने जन्मदिन के मौके पर जो है अनोखा शिविर यहाँ पे करते हैं और जरूरतमंदों को जो है सेवा देने का एक काम वो करते हैं और अपना आदर्श जो है समाज के सामने रखते हैं। और आज के दिन पे मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई दूंगी और आगे भी ऐसे ही वो काम करते रहे, इसके लिए शुभकामनाएं दूंगी। थैंक यू। निश्चित ही ये बीसीएम की टीम है, इन्हीं ये आधार स्तंभ है जो बीसीएम की जो न्यूज है वो जो दिखते हैं। ये क्षितिजा जी है और ये आपको उन्होंने बताया अपने बारे में, तो ये मैं बताना चाहूँगा सभी जो बीसीएन की टीम है उन्होंने भी सिराज भाई को बधाई दी है। वो मिलनसार है, एक परिवार के समान वो सिराज भाई पूरे कर्मचारियों को लेकर चलते हैं। और भी जो कर्मचारी है कारा न्यूज़ के, उनसे भी बात करेंगे। कारा न्यूज़ के डायरेक्टर भी हमारे साथ में हैं, क्या बताना चाहोगे? आज सिराज भाई का बर्थडे है। जैसा कि सभी को आपको पता है कि मैं पिछले 15 सालों से सिराज सर के साथ जुड़ी हूँ और उनके साथ जुड़ने का एक ही चीज जो है, आज मैं बहुत दिल से उनके दुआ देती हूँ उनके जन्मदिन के अवसर पर। कि एक, मैंने अपना करियर की शुरुआत एज ए जर्नलिस्ट किया था, जर्नलिस्ट के बाद 14 साल उनके साथ काम करने के बाद शायद मेरी ईमानदारी या फिर उनके साथ जो मैंने वर्क किया उनसे बहुत कुछ सीखे। आज मैं इस पोस्ट में हूँ कि आज उनका एक फर्म जो है वो मैं पूरा हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे बहुत गर्व है। इसका सारा श्रेय मैं सिराज सर को उन्होंने भी सिराज भाई को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। देख सकते हैं आप सिराज भाई ये सभी को, यानी जो यहाँ पे उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं उनको बधाई दे रहे, यानी उनका आभार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन से भाषण दे रहे हैं और सभी का वो आभार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वो सिराज भाई है जो, यानी छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबसे मिलते हैं, उनकी समस्या जानते हैं और सभी के साथ में। जयकर जी जो बीएसपी के नेता है वो भी हमारे साथ में, वो भी बधाई देने सिराज भाई को यहाँ पे आए हैं, क्या बताना चाहोगे? सिराज भाई ऐसा व्यक्तिमत्व है, गए 16 साल से हर साल गरीबों के लिए कैंप भरवाते हैं, हर रोग का निदान करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। ऐसे सिराज भाई को हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे और ऐसे ही इनको हमेशा कार्य कर गरीबों के लिए ये कार्य करते रहे, ऐसी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। ऋचा जैन मैडम भी सिराज भाई को जन्मदिन की बधाई देनी यहाँ पे मंच पे पहुँची है, क्या बताना चाहोगे सिराज भाई के बारे में? जन्मदिन मनाने का ये जो अनोखा तरीका है समाज सेवा, गत 7 दिनों से सिराज भाई निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आज हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पे भी निःशुल्क हेल्थ चेकअप। मैं ये मानती हूँ कि सर के बाल से लेकर पैर तक जितनी बीमारियाँ होती हैं, लगभग 15 से 20 डिफरेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आज यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सिराज भाई दुआएं जो ले रहे हैं वे अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि हेल्थ चेकअप में जो दुआएं मिलती हैं वो आज इस भव नहीं अगले भव तक भी काम आती। किशोर कुमेरिया जी जो है वो भी सिराज भाई को जन्मदिन की बधाई देने पहुँचे, क्या बताना चाहोगे? अपने नागपुर शहर के सामाजिक और व्यवसायिक माननीय सिराज भाई, हर साल इनके जन्मदिन पे इनकी जो टीम है वो आरोग्य शिविर, नेत्र शिविर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये भी साल बड़े पैमाने में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जो गरजू व्यक्ति है उनको निःशुल्क चश्मा मिले और जो जिनको आजार है ऑपरेशन की व्यवस्था हो, इस प्रकार का इस शिविर का आयोजन है। और आज वो चश्मे वाटा और जिनका ऑपरेशन हुआ उनको सत्कार, इस प्रकार का कार्यक्रम है। मैं किशोर कुमेरिया मित्र परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आया हूँ
और उनको ईश्वर दीर्घ आयुष्य प्रदान करे और बड़े पैमाने में हर साल इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हो ताकि जो गरीब गरजू व्यक्ति है उनको इसी प्रकार का लाभ हर साल मिलते रहे, यही शुभकामनाएं देने इस मौके पर। धर्म पत्नी हमारे साथ में है, सिराज भाई की धर्म पत्नी भी हमारे साथ में है, वो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आज महाशिविर का आयोजन किया गया है और एक अनोखा जन्मदिन सिराज भाई मना रहे, क्या बताना चाहोगे? देखिए, जैसे कि हर साल उनका बर्थडे इसी तरीके से मनाते हुए आ रहे हैं, ये हमने बहुत छोटे से शुरुआत की लेकिन आज ऊपर वालों का करम है, लोगों की दुआएं हैं कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और उनका बर्थडे कहते हैं ना कि आप ऐसे चार लोगों के साथ मना लोगे, छह लोगों के साथ, जब आप एक ऐसे लोगों के साथ जो सच में जो सबसे बड़े हकदार वो है, उनके साथ जब आप बर्थडे मनाते हो तो वो फीलिंग अलग होती है। और मुझे तो प्राउड है कि मैं उनकी वाइफ हूँ और उनका बर्थडे ऐसे इतने लोगों में, इतने तादाद में, हज़ारों की संख्याओं में उनका बर्थडे मनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बार का जो बर्थडे है उनका वो 10 दिन पहले से चल रहा है, तो हमारे लिए तो ये बहुत प्राउड की बात है और हमारे परिवार के लिए भी बहुत प्राउड की बात है, हमारे पूरे इंटायर बिजनेस के लिए बहुत प्राउड की बात है। सिराज भाई एक मिलनसार स्वभाव के हैं और सभी के लिए दौड़ते हैं, आप एक धर्म पत्नी हो, क्या कहोगे इस बारे में? जी हाँ, वो तो उनका बचपन से ही ऐसा रहा है कि लोगों की मदद करो और वो उसमें बिलीव करते हैं। और शायद ये उनका लोगों के प्रति जो सद्भावना है, उन लोगों के प्रति जो दया है, शायद ये इसकी वजह से ही मैं आज उनके साथ में जुड़ी हूँ। और कहते हैं ना, अगर एक आप में इंसानियत नहीं है तो आप उस इंसान के साथ में नहीं रह सकते, लेकिन मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड सिराज शेख हैं और वो लोगों की तो मदद करते ही हैं और साथ में उतना ही परिवार पे भी ध्यान देते हैं, बिज़नेस पे भी ध्यान देते हैं, अपने एम्प्लॉई को अपना परिवार मानते हैं। तो ये एक बिज़नेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अपने परिवार के साथ साथ में अपने जो एंटायर स्टाफ है, जो अपना एम्प्लॉई है, उनको भी अपना परिवार मानकर चलना। सिराज भाई का एक नेचर है कि वो बिजनेसमैन रहने के बावजूद वो जो उनके जो वर्कर है उनको भी वो अपना परिवार मानते हैं, ऐसा उनके धर्मपत्नी ने हमें बताया है। सिराज भाई, सबसे पहले तो WH न्यूज़ और IBM TV9 की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आप अपना जन्मदिन अनोखा मनाते हैं, क्या कारण है? अच्छा लगता, क्योंकि मैं बहुत ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूँ, मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैंने देखा ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि एक इंसान को हॉस्पिटल जाने के बाद लाइन लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट चेकअप कराना है या आँख चेकअप कराना है, दांत, तो 500-1000 रुपये फीस देना पड़ता, लोगों के पास नहीं रहती है, तो ये बहुत ये बात है। और जो गरीब लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उन पर आज के ज़माने में कोई ध्यान देता नहीं है, तो आज देखिए तुम 70% लोग वही लोग आए हुए हैं, और मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। सिराज भाई, मैंने एक मंच पे देखा कि आपके मंच पे सभी पार्टी के नेतागण उपस्थित थे और सब आपको बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचे, और देख के हमें भी एक आश्चर्य महसूस हुआ, क्या कहोगे इस बारे में? ये 15 साल से मैं करते रहा, हमारे पहले तो हमारे सतीश जी होले, हमारे नगर सेवक जो है वो तो हमारे साथ 15 साल से जुड़े हुए, फिर धीरे धीरे दक्षिण नागपुर के लोग थे, हम लोग ने कभी भी कोई एक राजनीतिक पार्टी को नहीं पकड़े, क्योंकि हम लोग मीडिया वाले हैं, हमने डे वन से ही बोले कि हमारा जो इवेंट है कोई राजनीतिक इवेंट नहीं है, इसलिए मैं कोई भी देखूँ ना, मेरे कोई इवेंट में कोई राजनेता की फ़ोटो लगाता नहीं हूँ। फोटो लगाने के बाद में ये होता है कि भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, हमारी क्यों नहीं लगाया, तो हम लोग ने डे वन से आज 15 साल से वो रखे, किसी के लगा ही नहीं, और यही हमारा कारण है कि सभी पार्टी को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। सर, आज एक सक्सेस उद्योगपति बन गए आप, पहले जीरो थे, जीरो से हीरो बन गए, आज की युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? आज के युवा को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, समय का ध्यान रखें और नींद से जल्दी उठें, और सिर्फ काम धंधा, 2 घंटा भी काम करता है तो उसको 200 रुपये भी कमाता तो 6000 रुपये महीना होता है, उसके पेट्रोल पानी पढ़ाई के काम में आता है, यानी मेरे कहते कहने का मतलब ऐसे, पढ़ाई करते करते भी काम किया तो उसको खुद को नॉलेज मिलता है, माँ बाप पर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति आलसी बनता है। निश्चित ही मैं फिर कहना चाहूँगा कि सिराज भाई जो है, सिराज भाई जीरो से हीरो बने, और आज जो महाशिविर देख रहे हैं आप, ये सिराज भाई के द्वारा ही उनके जन्मदिन पे रखा गया है, और हर साल जन्मदिन वो इसी प्रकार से एक अनोखा जन्मदिन मनाते हैं। युवाओं को उन्होंने एक संदेश दिया है, युवाओं को यही संदेश दिया है कि आप ज़्यादा नींद में मत रहिए, कम सोइए और मेहनत कीजिए तो ही आप बड़ा बनोगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। फिर से मैं सिराज भाई को दोनों चैनल की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
धन्यवाद।